असी नहीं बुलाई, इन्होंने बुलाई है। अगर डॉक्टर ही लेने लगेंगे जान तो अब कहां जाए इंसान। जय हिंद साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। अगर वही भगवान इंसानों की जान लेने पर आमादा हो जाए तो बड़े शर्म की बात है। ताजा मामला पंजाब के लुधियाना से आया है, जहां पे डॉक्टर द्वारा अपनी गलती छिपाए जाने को लेकर एक 22 साल की लड़की की जान लेनी चाहती है और उसको कोरोना बताकर कोरोना वार्ड में भेज दिया जाता है। घर वालों का आरोप है कि हमारी बेटी 14 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, तो फिर उसको कोरोना हुआ कैसे? देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठा है। लुधियाना के मॉडल टाउन स्थित HMC अस्पताल में भर्ती 22 वर्षीय युवती के इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल मैनेजमेंट पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया और हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका तान्या शर्मा के अभिभावकों ने बताया कि उसे 1 जून को गर्दन में कुछ परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मेरे से ऑपरेशन गलत हो गया, मैंने ये निशानी लगाई थी, ऑपरेशन यहाँ से हो गया। मैंने कहता मैं इसका ना ऑपरेशन एक और करना पड़ेगा, मैंने निशानी तो इधर लगाई थी, मोबाइल दिखाया नहीं, पर मेरे से ऑपरेशन इधर को हो गया। मैंने कहा इसका एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। मैंने कहा सर आप डॉक्टर है, देखो हमारी बच्ची हमको ठीक चाहिए, आप तो पैसा लगा सकते हैं, आप जो करना चाहें आप कर दें, पर मैं ये कह रही है कि लड़की की जो पोजीशन है ना वो अभी ऑपरेशन करने के लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो क्योंकि गलत पैसे होने के बदले में वो बहुत ज्यादा वो हो चुकी थी, वीक भी हो चुकी थी, उसको बलगम आ रही थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमने कहा चल जब 2-4 दिन में ये थोड़ा सा अपने वो हो जाएगी, आप देख लेना जैसे आपको ठीक लगेगा आप करके। डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन की बात कही थी। ऑपरेशन पर 8 लाख रुपए खर्च होने थे, जो उन्होंने जमा भी कर दिए थे। बीते दिनों डॉक्टर ने उन्हें उनकी बेटी का टेस्ट करवाने को कहा, जिसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने माना कि ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हुई है और दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि बीती देर रात में अपनी बेटी को ICU वार्ड में ठीक ठाक छोड़कर गई थी, वीडियो कॉल से उसके साथ बात भी हुई थी, लेकिन सुबह पता चला कि उसे कोरोना हो गया था और रातों रात कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब उनकी बेटी को भर्ती किया गया था तो उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, वह बीते करीब 14 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, तो उसे कोरोना कहां से हुआ? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सब अस्पताल द्वारा अपनी गलती को छुपाने के लिए किया गया है और अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियांशु शर्मा मैं ब्रदर हूं, तो तान्या शर्मा पेशेंट का नाम है जी, तो इन्होंने 16 दिन रखी है, अज करोना कड के इन्होंने पूरी करती है जी। जदों असं लैके आए, अब तोड़ के लैके आए, नैक का ऑपरेशन कराना सी जी। ठीक है, पहला ऑपरेशन इन्हों तो सही हो गया, ठीक है जी। दूसरा ऑपरेशन इन्होंने जोड़ा किया वो आप मानते पे भी साढ़े तो गलत होया, ठीक है जी। तीसरा ऑपरेशन सानू कहते असी कर दें, असी क्या भी हले वो हालत है नहीं, रुक जाओ। ये तो कुछ इस तरह तरीके का हो गया भी ये बस तो बहर हो गया काम, असं इनू कहें रहे भी बहरों डॉक्टर बुलाना, भी तू बहरों बुला लै, पे की कोई चक्कर नहीं है। इन्हें 16 दिन 8 लाख रुपया बनाया अभी पूरा दिता, असी लैस भी नहीं करवाया है, तो इन्हें 8 लाख इन्हें हड़प लिया जी, असी दिता है इन्हें 8 लाख किया जी, असी वो पूरा दिता है, असी एक बार भी नहीं किया भी असी घटाना है वधाना है, इन्हें पैकेज बनाया असी कोई गल नहीं असी देता। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें घटना संबंधी फोन कॉल आया था, अब मामले में डॉक्टर से बात की जाएगी। उन्होंने आरोपों के संबंध में कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 न्यूज हिंदी।